ट्रैफिक नियमों की धज्जियां किस कदर उड़ाई जा सकती हैं, इसका उदाहरण उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में देखने को मिला, जहां एक ऑटो में 27 लोग सवारी करते पाए गए। ऑटो में सवारियों की ओवरलोडिंग देख पुलिस भी हैरान रह गई। फिलहाल पुलिस ने ऑटो रिक्शा जब्त कर सीज कर दिया है, साथ ही तय मानकों से ज्यादा सवारी बिठाने के लिए 11,500 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। दरअसल ये पूरा मामला फतेहपुर के बिंद की कोतवाली क्षेत्र का है, जहां बकरीद के दिन कुछ लोग एक ऑटो में सवार होकर जा रहे थे। खबर के मुताबिक ललौची चौराहे पर ड्यूटी कर रहे एक पुलिसकर्मी की नज़र इस ऑटो पर पड़ी। पुलिस की नज़र से बचने के लिए ऑटो ने तेज रफ्तार से निकलने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने दौड़कर ऑटो को रुकवा लिया। इसके बाद पुलिस की नज़र जैसे ही ऑटो में सवार लोगों पर पड़ी तो हैरान रह गए। इस ऑटो में ड्राइवर और बच्चे समेत कुल 27 लोग सवार थे। पुलिस ने एक एक करके बच्चों और बड़ों को बाहर निकाला। बताया जा रहा है कि ऑटो में सवार सभी लोग महराहा के रहने वाले हैं। ये सभी बकरीद की नमाज अदा करने बिंद की आए थे। पुलिस जब एक एक कर लोगों को ऑटो से उतार रही थी, उसी दौरान वहां मौजूद शख्स ने इस वाक्य को अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर लिया। अभी वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। इस वीडियो को देखने के बाद लोग यही सोचकर हैरान हो रहे हैं कि आखिर एक ऑटो में 27 लोगों को किस तरह बैठाया गया होगा।